August. लगाना उंगली मत लगाना, उंगली कैमरे पे मत नहीं, मेरे को पता है। ये देखो झंडी चौड़पुर भी, ये हमारे राजकुमार भाई कपिल चौहान एक रेड स्नेक को पकड़ने जा रहे हैं। ये देखिए पेड़ के ऊपर छुपा हुआ है डंडे से। अब खचोड़ो उसे, अब खचोड़ो उसे, अब करो उसका उंगली। भाई जी आप इधर हो जाओ, देखो रेड स्टिक आपको दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत नजारा चारण के लिए। सांप को पेड़ से नीचे उतारते हुए और बहुत ही खतरनाक रेड स्नेक किधर को, हमारे राजकुमार भाई रेड स्नेक को पकड़ते हुए। ये बटन फालमर बड़ा, देखो लास्ट टहनी में फंसा हुआ। छलांग हम यार मत ही मार डाल, तब दिखनी रे। ये देखो ये देखिए आप, मारने दो। अच्छा हटो हटो, अरे इधर हमारा बहुत हुआ है ना। ये देखिए ये देखिए, इनको बोलो हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, और नहीं, चुप चुप सब चुप। रेड स्टिक बहुत खतरनाक वाला, ये हमारे राजकुमार भाई इसको पकड़ने के लिए तैयार। वो चले गया उधर, अरे ये उत्तरी उत्तरी। मैं हूँ, ये देखिए हमारे भाई ने, राजकुमार भाई ने ये रेड स्टिक बहुत ही तगड़ा वाला पकड़ लिया है। ये देखो भाई साहब, छोड़ो मेरा कट्टा ले गो। ये देखिए मेरा कट्टे में डब्बा है भाई। राजकुमार भाई ने बहुत ही इजीली, बहुत आसानी से ये हमारा रेड डिस्ट्रिक्ट पकड़ लिया है। ये देखिए फन फैलाते हुए, कपिल चौहान जी आप कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? देख सकते हो ये रेड स्नेक है, इसे धामड़ कहते हैं, घोड़ा पछाड़ कहते हैं। ये काटने के लिए बहुत बार कर रहा है मगर जहरीला नहीं होता, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। या ये देखो स्टिक नीचे से ऊपर पहुंचा दी उसने। अरे ना जा, देख ले समय बटे, काफी ताकत लगा रहा है वो। मानना पड़ेगा हमारे कपिल भाई को। ये झंडी चोर क्या है, पूर्वी परसों आपने एक रेड स्नेक पकड़ा था, उसी के बगल में ये दूसरा। ओ काट दिया काट दिया। ये देखो ऐसे काटता है, ये देखो कपिल भाई, ये देखो ये काटता है, ये काटा देखो। अच्छा कपिल भाई को काट दिया, देखो दिखाना दिखाना भाई। ये स्नेक बाइट खून भी निकाल दिया। अरे वहाँ घुस रहा, जब पूछ हाथ में है तो कहाँ घुसेगा भाई। कपिल भाई इस पे काटा, इस पे क्या लगाना? कुछ नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, कुछ नहीं है। ये जहरीला नहीं होता, डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें कंफर्म पता लग जाएगा क्योंकि इसने मेरे को काट लिया है। देखो क्या, अब लोग सोचते हैं कि सांप पकड़ रखा है पांव में घूम रहा है तो ये काटता नहीं है, तो इसलिए ये गलती ना करें कि सोचे कि काट नहीं है तो काटेगा नहीं। प्रिकॉशन, ये देखो खून देख सकते हो धनी, ये देखो कपिल भाई को काटा, ये होते हैं दांत इसके। लोग समझते हैं कि ये काटता नहीं है, भाई ये गलती ना करें, कभी मुंह पे काट दे तब मुश्किल हो सकती है ना, दिक्कत हो जाएगी। आपको कोई प्रिकॉशन? चलो भाई पैक करते थे।
कान मंग देखो ये फंसा हुआ है लकड़ियों के नीचे, आपको दिखाते हैं। बाप रे बाप, बहुत भारी, 5-6 फीट का ये सांप, 6 से 7 फीट के लगभग। कपिल भाई जो काट दे कोई दिक्कत तो नहीं? ना ना कोई दिक्कत नहीं, मेरे को 4 पहले काट चुके हैं रेड स्नेक, ये 5वीं बार स्नेक बाइट किया है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसका ढक्कन कहाँ है? ये काफी छेड़छाड़ की हुई ना सांप के साथ, तो काफी गुस्से में था ये। ना ना छेड़छाड़ कुछ नहीं हुई थी इसके साथ। अरे काफी डर के भाग रहा ना वो, तब जा करके पूरा गुस्से में था वो। पहले बोल देते आप हमारे कपिल भाई बहुत ही साहसी। ये देखो यहाँ पे झंडी चौड़ पूर्वी में ट्यूबवेल नंबर 3 के पास ये भीड़ जमा हुई सांप के दहशत में, सांप पकड़ाने के दहशत में, और हमारे कपिल भाई ने बहुत ही साहसी अंदाज में 7 फुटे रेड स्नेक को कैद कर लिया। ये देखो छुड़ाने की पूरी वो लगा ली उसने, जिसे कहते हैं मतलब जाएगा तो किसी के अंदर। चलो हाथ डालो, बिल्कुल छेद है, छेद है। वो सब पहले प्रिपेयर करो, वो काम करना है थोड़ी है। लो भाई कपिल भाई अब आपकी बारी है, पकड़ी जा चुकी है। कपिल चौहान यूट्यूब चैनल है, स्नेक वीडियो कोड द्वार सर्च मार दो, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी कपिल चौहान के नाम से। अभी नहीं हुई भाई जी, हो जाएगी। ये भाई किसने कॉल करके बुलाया था? आप ही ने? क्या नाम है भाई आपका? किशन सिंह भाई है, इन्होंने कॉल करके बुलाया था। कल भी यहाँ एक पेड़ पे सांप आया था, रेड स्नेक था, वो भी ये पकड़ा जा चुका है रेड स्नेक, इसने वाइट भी किया है, काफ़ी गुस्से में था। देख सकते हो दोस्तों काफ़ी घना जंगल है, और इस घने जंगल में सुरक्षित वातावरण में ये रेड स्नेक छोड़ा जा रहा है। ये मैंने झंडी चौड़ पूर्वी से पकड़ा है, देख सकते हो काफ़ी घना जंगल है, इस घने जंगल में सुरक्षित वातावरण में वन अधिकारियों की निगरानी में छोड़ा जा रहा है, और काफ़ी उत्सुक है, इसने स्नेक वाइट भी किया था, और इसने वाइट किया था, तो देख सकते हो कितना मार रहा है, ये निकल के भागने के लिए उत्सुक है, कितनी वाइट कर मार रहा है, देख सकते हो। और ये भागा, मारते ही मारते भाग चुका है ये काफ़ी रफ्तार से। दोस्तों चारों तरफ घना जंगल है, और ये यूपी का जंगल लग चुका है, और ये काफ़ी दूर जा चुका है। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।